भारत के महावीर योद्धा अलाउद्दीन की वीर गाथा के एपिसोड 152 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं। महोबा की सेना वापस लौट रही है दूसरे दिन का युद्ध समाप्त होने के बाद, और बिरियागढ़ की सेना पारस के नेतृत्व में वापस लौट रही है बिरियागढ़ के लिए। महोबा के सभी वीर विचार मग्न हैं कि पारस को कैसे पराजित किया जाए। पारस को हराना इतना आसान नहीं था। पारस का शरीर दिन के समय वज्र का हो जाता था, और उस बात का पता महोबे वालों को नहीं था कि किस तरीके से पारस को मारा जाए। देखिए श्रोताओं, महोबा के वीर सैनिक अपने खेमे में आ गए। कन्नौज के राजकुमार लाखन और मांडलिक राजा आला ने एक दरबार बुलाया, एक सभा बुलाई, और सभा में अगले दिन के युद्ध की मंत्रणा होने लगी। कौन पारस का वध करेगा? परंतु पारस के सामने जाने से महोबा के वीर योद्धा कतराने लगे। पारस का शरीर वज्र के समान था। मलखान ने कई तलवारें, कई भाले उस पर तोड़ डाले। उदल ने अपनी कई तलवारें तोड़ दी, लेकिन पारस का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पारस अद्वितीय योद्धा दिखाई दे रहा था, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ था नहीं। केवल वरदानी शक्ति के कारण दिन में वज्र का रहता था। वीर आला ने ढेवा को बुलाया और ढेवा से कहा कि ढेवा, अपने ज्योतिष शास्त्र निकालो और उसमें देखो। शगुन शास्त्र के ज्ञाता हैं आप। उस समय ढेवा शगुन शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता थे, ज्योतिष विद्या के बड़े विद्वान थे। तो ढेवा ने अपने ज्योतिष की पुस्तक निकाली और ज्योतिष का विवरण देख करके महाराज आला से कहने लगे कि महाराज, दिन के समय पारस को कोई पराजित नहीं कर सकता। सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक पारस को हराने वाला कोई वीर नहीं है। पारस का शरीर वज्र का रहता है, कोई भाला तेज तलवार उस पर काम नहीं करती। इसलिए महाराज, यदि पारस का वध करना है तो सूर्यास्त के बाद करना होगा। जबकि तत्कालीन समय के नियमों के अनुसार जिस समय युद्ध चल रहा था, उस समय के नियम थे कि सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं है। क्षत्रिय वीर सूर्यास्त के बाद किसी पर प्रहार नहीं करते थे। युद्ध बंद हो जाता था और दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने खेमे में लौट जाती थी। ढेवा कहने लगा, महाराज कल का युद्ध लंबा खींचना पड़ेगा, सूर्यास्त के बाद भी युद्ध करना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर के पारस का अंत किया जा सकता है। नहीं तो दिन के युद्ध में पारस को पराजित कर नहीं सकते। महाराज आला ये बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और बीड़ा डलवा दिया कि कल का प्रधान सेनापति कौन बनेगा। तो वीर इंदल आला का राजकुमार कहने लगा कि महाराज, पुनः कल का सेनापति मैं बनूंगा, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। पारस का वध मैं करके लाऊंगा, पारस का मस्तक काट के आपके चरणों में भेंट करूंगा। यह बात सुनकर के वीर आला और महोबा के वीर बड़े प्रसन्न हुए और प्रधान सेनापति पुनः इंदल को नियुक्त कर दिया गया। इंदल अगले दिन के युद्ध के लिए महोबा के प्रधान सेनापति बना दिए जाते हैं, और महोबा के वीरों से कह दिया कि समस्त वीर कल रणभूमि में उतरेंगे। हो सकता है हीर सिंह वीर सिंह भी युद्ध के मैदान में आए और उनको भी रोकना होगा। श्रोताओं, इधर तो महोबा के वीर अपने युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, और अब उधर का विवरण सुनिए। पारस अपनी फौजों के साथ वापस बिरियागढ़ लौट गया। महाराज वीर सिंह बिरियागढ़ नरेश जो माता देवी का अनुष्ठान कर रहे थे, माता कालका का एक यज्ञ कर रहे थे, माता कालका से वरदान प्राप्त कर लिया यज्ञ पूर्ण होने के बाद, और माता कालका ने वरदान दिया कि तुम्हारा मस्तक जो कोई काटेगा उसी समय तुम्हारे शरीर से 100 वीर सिंह पैदा हो जाएंगे।
यह एक अद्भुत वरदान था। यह वरदान प्राप्त करने के बाद वीर सिंह भी मदांध हो जाता है और बिरियागढ़ की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। महाराज वीर सिंह ने भी अपना दरबार सुसज्जित किया और अगले दिन के युद्ध की रणनीति तैयार की। महाराज वीर सिंह बोले कि कल के युद्ध में बिरियागढ़ की समस्त फौजें, समस्त योद्धा एक साथ आक्रमण करेंगे महोबा के वीरों पर। आक्रमण निर्णायक होना चाहिए क्योंकि यह युद्ध काफी खिंच गया और इसमें हमें पहले ही बहुत क्षति हो चुकी है, बड़ा भारी नुकसान बिरियागढ़ को हुआ है। सेना दोनों पक्षों की सज के तैयार हो रही है, दोनों पक्षों के वीर योद्धा सज रहे हैं। मारू डंका बाजन लागे, घूमन लागे लाल निशान, कोई नालकिन कोई पालकिन, कोई चढ़े साण या जवान। आगे हल्का है हाथीन को बल का तिनका नहीं ठिकान, घंटा बाजे गल हाथीन के जहां सुन परे बात नहीं कान। चिंगरत हाथी आगे चल दिए पाछे घोड़न चली कतार, सरपट घोड़ा कोई दौड़ावे कोई चले कावा देवे कोई असवार। कोई कोई घोड़ा हंस चाल पर कोई कोई मोर चाल पर जाए, डगमग डगमग धरती डोले थर थर शेष रहे थर्राए, देव सकाने बहु डरमाने पर्वत खो छिपाने जाए। कोगत बरने नर उदल की आगे घोड़ नचावत जाए, धीरे धीरे युद्ध भूमि में पहुंचे वीर बना पर आए। उधर से बिरियागढ़ की फौज और इधर से बनाफरों की फौज रणभूमि में अपनी अपनी सेनाओं को सुसज्जित करके आ जाती है। दोनों ओर के वीर अपने अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने राजा के लिए लड़ रहे हैं और नगिन तेग खींच करके खड़े हुए हैं। वीर इंदल पारस के मोहरा पर पहुंच जाता है, पारस से मोर्चा ले लेता है और उधर उदल वीर सिंह से मोर्चा जमा लेता है। हीर सिंह के सामने नर मलखान और अन्य महोबा के वीर जितने भी उनके सैनिक और सेनापति थे उनसे मोर्चा ले लेते हैं। दोनों ओर से आदेश प्रसारित कर दिया गया और युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर की सेनाएं घमासान युद्ध कर रही हैं, बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। मार मार कर तेगा बाजे बाजे हाव हाव कर नाल, हिर सिंह बिर सिंह दो भाई पहुंचे समर भूम तत्काल। पहले मार भई तोपन की गोलंदाज भये होशियार, बम के गोला छूटन लागे सीताराम लगाइए पार। दोनों ओर के वीरों में तोप तलवार बंदूक फरसा जितने भी अस्त्र उस जमाने में अस्त्र शस्त्र थे, जितने भी अस्त्र शस्त्र उस जमाने में थे उनमें युद्ध होने लग गया। युद्ध करते करते श्रोताओं शाम का वक्त हो जाता है। दोनों पक्षों में से किसी पक्ष की हार जीत नजर नहीं आ रही है। युद्ध करते करते दोपहर बीत जाते हैं परंतु कोई भी पक्ष पराजित नहीं हो रहा है। पारस को आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता था। वीर उदल वीर सिंह के मोर्चा पर युद्ध कर रहे थे। वीर उदल मन में विचार करने लगे कि पारस को तो सूर्यास्त के बाद ही समाप्त किया जा सकता है, परंतु यदि संभव हुआ तो पहले मैं वीर सिंह को समाप्त कर देता हूं। वीर सिंह और इंदल में बराबरी का युद्ध चल रहा था लेकिन कोई किसी से पराजित नहीं हुआ। हीर सिंह के मोर्चा पर वीर मलखान हैं, बराबर की टक्कर दोनों पक्षों के सूरमाओं में हो रही है। सूर लपेटा हाथी भिड़गे अंकुश भिड़े महोतन केर, होदा होदा एक मिल है के मारे एक एक को हेर। पैया रथ के रथ में भिड़गे घोड़न भिड़ी रान में रान, भाला छूटे अश्वारण के मारे एक एक को जवान। ऊंट चढ़िया ऊंटन भिड़गे पैदर चलन लगी तलवार, भुजा और छाती हन मारे कोई सिर काट दे हुई डाल। बड़ी लड़ाई हुई छत्रिन में नदिया बही रक्त की धार, लड़ लड़ हाथी तामे गिर गए छोटे दीपन के अनुहार। छुरी कटारी मछली जानो
ढाले कछुआ मनो अपार, कटकट बार करे सूरन पे, जस नदिया में बहे सिवार। इस तरीके से दोनों पक्षों की सेनाओं में युद्ध चल रहा है और उस युद्ध का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। केवल आलाखंड ही एक ऐसा वीर रस का ग्रंथ है जिसकी भाषा में इसका कुछ हद तक वर्णन किया गया है। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इधर युद्ध करते करते तीसरा पहर बीतने लगा। तीन पहर व्यतीत हो चुके। मलखान विचार करने लगा, यदि हीर सिंह को मैं पराजित कर दूं तो पुनः वीर सिंह के पास पहुंच जाऊंगा और वीर सिंह को बंदी बनवाऊंगा। वीर मलखान ने हीर सिंह पर आक्रमण किया, अपनी घोड़ी में एड़ लगाई और उसके हौदा पर कूदा, भाले का प्रहार किया और उसका हौदा हाथी से नीचे गिरा दिया। हीर सिंह ने तेग उठाई तो वीर मलखान उसके ऊपर घोड़े से कूद पड़ा और उसकी दोनों भुजदंडों को पकड़ लिया और पकड़ करके बंदी बना लिया। रस्सा से कसकर के हीर सिंह को भेज दिया गया कि इसको ले जाओ जहां महाराज आला विराजमान है। शिविर में पहुंचा दिया गया और जब हीर सिंह बंदी बन गया यह सूचना वीर सिंह को मिली तो वीर सिंह उदल पर काल के समान टूटे। परंतु उदल बड़े वीर योद्धा थे। उदल ने वीर सिंह की सभी चालों को काट दिया और जो उसका हाथी का हौदा था उस रस्से को काट करके उसको भी जमीन पर गिरा लिया। और जब उसका मस्तक काटने लगे उसी समय वीर मलखान आ गए और ढेवा आ गए, उदल को रोक दिया कि तुम क्या कर रहे हो, यदि एक वीर सिंह को काटा तो कई वीर सिंह पैदा हो जाएंगे, इसके शरीर से रक्त की धार नहीं निकलनी चाहिए, इसको पकड़ करके अष्टधातु मोंगरियों से मार लगेगी, अष्टधात के सरियाओं से छड़ों से मार लगाओ इसमें, तब जाकर के ये पराजित होगा। देखिए श्रोताओं, उदल और वीर सिंह में कुछ देर तेग और तलवारें चली और तेग तलवारों के बाद दोनों में मल्ल युद्ध होने लग गया। उदल महापराक्रमी था, 210 हाथियों की ताकत थी कहा जाता है उदल के बारे में। उदल ने वीर सिंह को जमीन पर पटक लिया, भारी धातुओं के मुदगरों से मार देने लगे वीर सिंह में, वीर सिंह को मूर्छित कर दिया और वीर सिंह को मूर्छित करके बंदी बनाया और बंदी बना करके भेज दिया वीर आला के पास। हीर सिंह वीर सिंह दोनों भाइयों को बंदी बना लिया और युद्ध करते करते शाम का वक्त हो गया। अब तो पारस काल के समान हो गया। सूर्यास्त के बाद भी पारस ने युद्ध बंद नहीं किया। पारस सोच रहा था कि हीर सिंह वीर सिंह दोनों को इनके बंदी गृह से मुक्त कराऊंगा, इनके शिविर पर धावा बोलूंगा और यही तो बहुबा के वीर चाहते थे कि हमारा छत्रापन भी नष्ट ना हो और ये सूर्यास्त के बाद युद्ध भी करें। उनकी रणनीति सफल रही, सूर्यास्त हुआ और इंदल ने पूरी शक्ति से पारस को ललकारा कि दुष्ट पारस अब तेरा अंतिम समय आ गया, एक बार संसार को देख ले। और वो वरदानी शक्ति उस समय तक समाप्त हो गई। दोनों में युद्ध हुआ। वीर इंदल ने अपने बाज में एड़ लगाई और हाथी के हौदे पर कूदा तलवार का भयंकर वार पारस पर किया। पारस बड़ा योद्धा था, हाथी के हौदे से कूद गया, उसके साथ ही वीर इंदल भी कूद जाते हैं। दोनों का युद्ध अलौकिक लग रहा था। दोनों वीर योद्धा बड़ा अच्छा बड़ा भयंकर युद्ध कर रहे थे, अपने अपने पराक्रम को दिखा रहे थे, अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे। परंतु वीर इंदल तो इंदल ही ठहरा। वीर इंदल ने अपनी तेग का प्रहार कस करके पारस की गर्दन पर किया। पारस का सर धड़ से अलग होकर के दूर जाकर गिरा और एक ही प्रहार में पारस का अंत हो गया। देखिए श्रोताओं, पारस की पराजय होते ही बिरियागढ़ की सेना में हाहाकार मच गया। बिरियागढ़ की सेना वापस भाग जाती है बिरियागढ़ के लिए।
और सेना तितर बितर हो गई। महोबा के वीर भी उसके पीछे चले जाते हैं। बिरियागढ़ की सेना हथियार डाल देती है अंततः और बिरियागढ़ पराजित हो जाता है। महाराज आला ने दरबार लगाया और हीर सिंह वीर सिंह को दूसरे दिन दरबार में प्रस्तुत करवाया और कहा कि हीर सिंह और वीर सिंह तुम दोनों भाई यदि प्राण बचाना चाहते हैं तो ध्यान रखना, अभी हमें कर चुका दो और अन्यथा जीवित नहीं रहोगे। वीर सिंह कहने लगा कि महाराज मुझे प्राण दान दे दीजिए, मैं कभी भी तुम्हारे सामने रणभूमि में अस्त्र नहीं उठाऊंगा और कर हर साल आपके लिए भेज दूंगा। देखिए श्रोताओं, वीर सिंह ने महोबा के महाराज आला और कन्नौज के राजकुमार लाखन को 12 साल का कर चुकता कर दिया, अपनी पराजय स्वीकार कर ली और इस तरीके से महोबा के वीरों ने बिरियागढ़ को जीत लिया।